हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में रॉयल पार्क व्लॉग्स। और आज जा रहे हैं हम ब्लॉगिंग करने। हमारा जो इंडिगो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आज इस यूनिवर्सिटी का हम ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। तो गाइस, ये है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। आज हम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तो हम चल रहे हैं अपने, वो हमारी यूनिवर्सिटी है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, और हम लोग दूसरी की साइड अपोजिट साइड खड़े हैं। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप है, इसलिए मैंने सनग्लासेस का यूज़ किया है। और ये मेरा फ्रेंड हार्दिक, जो कि यहाँ से बीटेक कर रहा है। हेलो बोलो। हाय गाइस। तो ये मेरा फ्रेंड हार्दिक, जो यहाँ से बीटेक सीएससी ब्रांच से कर रहा है। तो ये हमें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पूरा टूर कराएगा। हो सकता है आपको वॉइस आ रही हो थोड़ी आसपास की, तो उसको अवॉइड करिएगा। चलिए चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। ये अपनी रोड पार करते हैं हम लोग। गाइस, अपनी यूनिवर्सिटी है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर। मेन गेट है। सो गाइस, यहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की बसें खड़ी होती हैं, फैकल्टीज की कार व्हीकल्स यहाँ पे खड़े होते हैं। और इधर साइड ये यहाँ पर ऑफिस है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑफिस है यहाँ पर इंटीग्रल में। जैसे ही हम लोग गेट से एंट्री करते हैं, हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है, यही मेन गेट है हम लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हम लोग देखते हैं, और इस तरफ फैकल्टी गाड़ी देखते हैं, और सीधे हम लोग की बीटेक की बिल्डिंग देखते हैं। और ये गेट नंबर 2 है यहाँ पर। सीधे जाने से आपको गेट नंबर 2 का रास्ता मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे। एकेडमिक ब्लॉक भी है, जो ये एकेडमिक ब्लॉक भी है। जब कोई भी बच्चा एडमिशन कराने के लिए आता है, तो सबसे पहले इसी ब्लॉक में भेजा जाता है उसे। यहाँ पर वो अपना क्वेश्चंस जो होते हैं, क्विज वगैरह किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, सबसे पहले यहीं भेजा जाता है उसे। सो गाइस, बता रहे कि बच्चा के जब फर्स्ट विजिट होता है एडमिशन के लिए, तो यहीं पर आता है वो सबसे पहले। और ये हमारा जैसा लिखा है, एकेडमिक ब्लॉक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं। तो बच्चा यहीं पे सबसे पहले आता है, जो भी इंफॉर्मेशन क्यूरी की जाती है उससे फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे की जाती है, इसलिए लिखा है एकेडमिक ब्लॉक। तो बच्चा सबसे पहले जैसा यहाँ पे आता है, और ये देखिए लिखा है IUL यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और जैसा कि हमें हार्दिक ने बताया, तो पूरा ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी टूर हमारा भाई हार्दिक आज कराएगा। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, शायद पता नहीं कितनी लंबी है वीडियो हो, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आज बहुत धूप है, हम लोग इतनी मेहनत में यहाँ पे धूप में ब्लॉग बना रहे हैं, जो कि नाम है। लेकिन मैं आप लोग को पूरी यूनिवर्सिटी टूर कराऊँगा, तो बताइएगा मेरे। आप लोग बच्चों को जब एडमिशन कराने के लिए आते हैं, वो दौड़ते हैं, यहाँ वाले बोलते हैं उस ब्लॉक में जाओ, वहाँ वाले बोलते हैं इस ब्लॉक में, वही ताकि आपको आसानी हो सके और पता सके कौन सी क्लास कहाँ चलती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वीडियोस बना दी जाए ताकि आप लोगों को आसानी हो जब एडमिशन कराने हैं आप लोग। हम लोग हार्दिक ने बताया कि जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन कराने आते हैं, तो किसी को यहाँ पे नहीं पता होता है कि एडमिशन ब्लॉक कहाँ है। ये सारी जितने भी आपके सारे डाउट्स रहते हैं कि एडमिशन कहाँ पे कराएं और कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, तो इस ब्लॉग के ज़रिए आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं इस चैनल पर अपने कॉलेज रिव्यू डालता ही हूँ, आप भी सारे कॉलेज के रिव्यू देख सकते हैं। और इस ब्लॉग के थ्रू आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ कैसे है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम हर चीज़ आपको बता रहे हैं, और मेरा भाई जैसे बताया कि हार्दिक आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताते जाएगा, गाइड करते जाएगा, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे शूट करते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो गाइस, यहाँ पे हमारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की है कैंटीन, और वो है हमारा एडमिशन एंड एकेडमिक ब्लॉक, यानी फॉर्म वगैरह सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह यहीं पर ही होती हैं, ठीक है। और उसी के जस्ट सामने हम यहाँ पे इंटीग्रल की कैंटीन देख पाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम कैंटीन में। सो गाइस, ये कैंटीन हमारी है पूरी। बताया था, ये लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन एंड एकेडमिक्स। सो यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बच्चे के सारे फॉर्म वगैरह यहीं पर ही भरे जाते हैं। तो यहाँ पे गैलरी टाइप है, यहाँ पे सब रूम्स वगैरह बने हैं। गाइस, इसको जैसे एकेडमिक ब्लॉक डी भी कहा जाता है, एकेडमिक ब्लॉक डी है। अच्छा। जैसे स्टार्टिंग में आते हैं तो एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर तो हमारा टेस्ट वगैरह लिया जाता है, लेकिन जो फॉर्म वॉर्म की जो फॉर्मेलिटीज़ होता है कि किस हिसाब से कितना परसेंटेज होना चाहिए, जो नॉलेज दी जाती है कि कैसे एडमिशन कराएंगे, जो फॉर्म वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं वो इसी ब्लॉक में दी जाती हैं। इसमें फर्स्ट फ्लोर में सारी चीज़ें होती हैं। सही बात।
जितनी चीज़ें आपको करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जाती है। सो गाइस हमारे यहाँ पे हार्दिक भाई ने बताया कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह फॉर्म की यहीं पे होती हैं, तो आपको कोई भी डाउट की ज़रूरत नहीं है। आप आइए इंडिगो यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे डायरेक्ट आप आके ब्लॉक डी में जस्ट कैंटीन के सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं और आइए, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आप ही कन्फर्म कर सकते हैं। तो गाइस अब तुम सो हार्दिक, जब तुम पहले एडमिशन कराने आए थे तुम्हें पता नहीं था कि एकेडमी ब्लॉक वगैरह कहाँ पे है। डी में जाइए, ऐसे दो तीन बार चक्कर लगाते हैं क्योंकि अब बच्चों को पता भी नहीं रहता, तो यहाँ के सीनियर से पता करते हैं। हाँ, वीडियो के थ्रू आपको भी पता चल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप न्यूली यानी फ्रेशर होंगे तो आपको कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन इस ब्लॉग के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो कोई भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि कैंटीन के जस्ट सामने आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हमारी गैलरी वगैरह होगी, थोड़ा सा अंदर आपको दिखा देते हैं, अगर एकेडमिक ब्लॉक के अंदर तो ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन चलते हैं थोड़ा बहुत। गाइस ये जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो हमारा लैंग्वेज का फ्लोर है, उसमें पूरी क्लासेस जो लैंग्वेज की चलाई जाती है। सेकंड वाला मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, पूरा मैथमेटिक्स की क्लासेस होती है। और ये जो थर्ड है ये फिजिक्स के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं पूरी। फर्स्ट फ्लोर है हमारा, यहाँ पर एडमिशन के लिए घुसते हैं, फिर इसी से जस्ट सीधे रास्ता जाता है एनएलटी बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग को हम लोग एनएलटी बिल्डिंग भी कहते हैं। सो गाइस इस बिल्डिंग को हम लोग एनएलटी बिल्डिंग भी कहते हैं, ऐसे बताया हमारे हार्दिक ने। इसको बी एनएलटी बिल्डिंग भी कहते हैं। यहाँ भी हमारी बहुत सी क्लासेस, जैसे बीसीए वालों की, बीएससी वालों की क्लासेस भी एनएलटी बिल्डिंग में होती है। और अगर जैसे फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों की फ़ीस क्राइटेरिया सारा अंदर होता है, लेकिन जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो फीस वगैरह अगर भरनी रहती है हम लोगों की, तो ये यहाँ से लाइन लगा के सीधे फीस देते हैं यहाँ पर। और आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी फ़ीस नहीं जमा है या फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस आ रही है, आप इंडिगल यूनिवर्सिटी का ऐप भी है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हम दिखाते हैं यहाँ से करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे एडमिशन ब्लॉक से निकलते हुए, वो सामने डी ब्लॉक हमारा डी ब्लॉक था यानी डी एन एल टी, वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जैसे यहाँ पे हमारे हार्दिक भाई ने बताया है कि जो यहाँ पे बीटेक सेकेंड ईयर की फ़ीस वगैरह जितनी भी होती हैं यहीं से ही सबमिट होती हैं, ये क्वेरी हो गई। और वहाँ से हम लोग पीछे, जस्ट जैसे पीछे से निकल के आते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये बी ब्लॉक है यानी बी एन एल टी है। तो यहाँ पे सी सी जी एंड डी यानी सेंटर फॉर कैरियर गाइडेंस एंड डेवलपमेंट, यानी जैसे यहाँ पे बी सी ए वगैरह की क्लासेस यहाँ पर रन होती हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, हम वहाँ से डी बिल्डिंग से निकल के आए और ये बी बिल्डिंग है, उसके बाद वहाँ पे हम एफ़ बिल्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे बी सी ए वगैरह कोर्स होता है और वहाँ पूरा बीटेक डिपार्टमेंट संभाला जाता है, और यहाँ से फीस सबमिट होती है सेकेंड ईयर से। और वहाँ सिविल ब्रांच की बिल्डिंग है, वो सिविल ब्रांच की बिल्डिंग है जो कि एफ ब्लॉक वहाँ पे माना जाता है। तो वो डी ब्लॉक था, उसे इसीलिए डी एन एल टी क्या बोलते हैं, हाँ NLT, BNLT और FNLT। सो गाइस मैं यहाँ पे नया हूँ, इसीलिए मैंने हार्दिक को लिया क्योंकि यहाँ का ये प्रॉपर स्टूडेंट है और इसको काफ़ी नॉलेज है यहाँ की, इसे मैं इसको लाया हूँ। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन जब क्लासेस चलती रहती हैं, फ्रेंडशिप वगैरह होती है, लोगों से घूमो तो पता चल जाती है सारी चीज़ें कहाँ पर, कौन सी चीज़ें कहाँ पर। सही बात है, जब लोगों से ऐसा कोलैबोरेशन होता है और सीनियर्स का भी गाइडेंस मिलती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है। जी 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 वाले यहाँ पे किसी क्लासेस चलती हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है मतलब ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर आर्किटेक्चर वालों की क्लासेस चलती है जो आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट। अभी तो बीसीए डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, बीसीए वालों की भी क्लासेस रन होती है ऊपर वाले फ्लोर पे, और बीएससी वाले भी पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर जो हमारा आर्किटेक्चर वालों का, इसके ऊपर बीसीए के और बीएससी वालों का भी चलता है यहाँ पर, तो ऐसे ही क्लासेस यहाँ पे चलती है। इसीलिए हम लोग अपनी इस बिल्डिंग से निकल आए हैं। और हार्दिक हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी सारे बच्चे यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट के जितने भी MBBS, LLB और BCA, BTEC और जितने भी हैं आर्किटेक्चर वगैरह, सब लोग की सेंट्रल जो लाइब्रेरी है। हम लोग को हार्दिक ने बताया कि इंटीग्रल में जितने भी सारे कोर्सेज वगैरह यहाँ पर रन करते हैं उसके लिए एक कॉमन यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसका हमने नाम दिया है सेंट्रल लाइब्रेरी। इसका मतलब जितने भी यहाँ पर कोर्सेज हैं सारे बच्चे यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, सारी बुक्स का कलेक्शन यहाँ पर है और कोई भी आपको दिक्कत की बात नहीं होगी। और हर डिपार्टमेंट की एक अलग लाइब्रेरी भी इशू कराई
प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन आप सेंट्रल लाइब्रेरी में भी जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी बुक्स की सुविधाएँ जितनी भी सब वहाँ पर उपलब्ध है। तो चलते हैं हम सब सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ, वो भी उसके आपको दिखाते हैं कि क्या कैसा है। मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, ये यहाँ का स्टूडेंट है तो ये सब जानता है। चलिए चलते हैं हम सेंट्रल लाइब्रेरी। सो गाइस, हम लोग एंट्री कर रहे हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी। सो गाइस, लाइब्रेरी बंद हो गई है, बैड लक। सैटरडे को यूनिवर्सिटी में हाफ डे होता है, खैर कोई बात नहीं। खैर लाइब्रेरी तो बंद थी, बैड लक। हमने खैर अपनी दिखाने की कोशिश करी लेकिन लाइब्रेरी बंद थी, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लाइब्रेरी का व्यू। हाँ, तो खैर बी हमारा डी ब्लॉक हो गया और बी ब्लॉक हो गया और ये एफ ब्लॉक है यहाँ। सो गाइस, ये एफ ब्लॉक है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस, ये एफ ब्लॉक है और यहाँ पे कौन सी क्लासेस चलती हैं? सिविल लोगों की क्लासेस चलती हैं, जो सिविल ब्रांच के बच्चे होते हैं वहाँ पर है। अच्छा, तो यानी जो यहाँ पे सिविल ब्रांच के बच्चे हैं उनकी इस बिल्डिंग, ये हमारी एफ बिल्डिंग है। देख सकते हैं कितनी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर है और यहाँ पर एफ ब्लॉक यानी सिविल बच्चों की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं और ऐसे यहाँ के आर्किटेक्चर और सीएससी वगैरह के बच्चों की यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। तो मैंने दिखाया है यहाँ पर ये डी ब्लॉक, बी ब्लॉक, यहाँ पर तो ई ब्लॉक लिखा है। अच्छा, बी और ई दोनों कंबाइंड है, तो इसे मुझे पहले ई दिखा। सो गाइस, ये हम लोग यहाँ से निकल के आ चुके हैं, मैंने दिखाया ई और बी वहाँ पे उधर साइड कंबाइंड है, यहाँ से ई ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ पे ये एफ ब्लॉक है। यहाँ पे सिविल बच्चों की क्लासेस चलती हैं और वहाँ पर सी एस ए बच्चों की वगैरह क्लासेस चलती थी और यहाँ आर्किटेक्चर सिविल जैसे मैंने आपको दिखाया। अब हम लोग चले सीधे, तो सीधे हार्दिक क्या है वहाँ पर? हमारा प्ले ग्राउंड है जो डिपार्टमेंट का मेन ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड सबसे बड़ा जो प्ले ग्राउंड है वो हमारा सामने ही है। अच्छा, सो गाइस, वो हमारा कैंपस का प्ले ग्राउंड है जो कि वहाँ पे मैं चल रहा हूँ और मुझे भी यहाँ पे, मैं यहाँ पे अननोन हूँ तो मेरे लिए भी सारी पेशेंस वाली सस्पेंस वाली चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि मुझे हार्दिक बता रहा है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, देखता हूँ ग्राउंड वगैरह कैसा है और ब्लॉक में शूट करके आप लोग को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मज़ा मेन आता है हम लोगों को, मान लीजिए क्लासेस हम लोगों की नहीं है या फिर कुछ बच्चे जो बंक मारते हैं उनको अगर मौज मस्ती करनी रहती तो ज़्यादातर यहीं आते हैं ग्राउंड में, हमारा प्ले ग्राउंड। अच्छा, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारी चीज़ें जितनी भी हमारे गेमिंग होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर, हमारा आउटडोर गेम्स सारे यहीं पर। सो गाइस, फाइनली अपने यहाँ पर हम कैंपस के ग्राउंड में आ चुके हैं। जैसा कि हार्दिक बताया यहाँ पे दूसरी कैंटीन भी है तो बच्चे आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ग्राउंड कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा यहाँ ग्राउंड है। और खैर, यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर सन्नाटा आपको देखने के लिए इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, सैटरडे है और हाफ डे भी हो गया। हाँ, जैसा कि रोज़ा भी चल रहा है तो ज़्यादातर बच्चे अपने घर चले जाते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं, तो इसलिए अभी नहीं। लेकिन खैर, शाम के समय अगर हम लोग आएंगे तो शाम के समय भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर ग्राउंड। एटलीस्ट मतलब यहाँ पर डिपार्चर टाइम यहाँ पे 4 बजे होता है, डिपार्चर टाइम यहाँ पे काफ़ी छुट्टी होती है, लेकिन एक्चुअली आज क्या है, सैटरडे है तो यहाँ पर छुट्टी हाफ डे हो जाता है, इसलिए बच्चों की क्राउड जो है बहुत अभी कम देखने को मिल रहा है। क्रिकेट वगैरह हम लोग यहाँ खेलते हैं और बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सारी। सो फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हैं और काफ़ी यहाँ पे धूप वगैरह काफ़ी ज़्यादा है और हार्दिक यहाँ पे हमें हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है और मैं भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपको व्लॉग में हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ। तो एकदम वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, एकदम एंड तक देखिएगा। सो गाइस, जैसे देख पा रहे हैं मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर MBBS वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्टरी की पढ़ाई होती है यानी नर्सिंग वगैरह डिपार्टमेंट वही है जस्ट मेरे पीछे। और फिलहाल तो ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड को मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ, इसके बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं यहाँ पर MBBS वगैरह कहाँ होता है। क्लासेज होती हैं मेनली LLB वालों की, वो इस डिपार्टमेंट से पूरा हट के रोड के उस तरफ कॉलेज बना हुआ है, और भी बड़ा कॉलेज है तो वहाँ LLB क्लास चलती है। खैर वहाँ तो हम लोग नहीं जा पाएंगे अभी क्योंकि वहाँ तक गेट बंद हो गया होगा, LLB वालों का एकदम स्ट्रिक्ट रूल रहता है उन लोगों का, तो कभी अगर क्लासेस रन हो रही होंगी, अगर लॉक नहीं होगा तो वहाँ चलेंगे उस तरफ। क्या बात, चलते। सो गाइस, यहाँ पे हमारे हार्दिक भाई कितनी बेहतरीन आप लोग को नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड करा पा रहे हैं। आई होप जब ये एडमिशन लेने के लिए आया होगा तो ऐसी कोई भी नॉलेज किसी को नहीं दे पा रहा होगा, तो मेरा मानना ये है कि आप लोग सब नॉलेज पैसे। ये हमारा हार्दिक राज, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको वाला डिपार्टमेंट दिखाऊंगा तो मैं वहीं पर ही चल रहा हूँ और जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारे डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट पूरा MBBS वगैरह होता है और ऊपर लिखा भी है
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, तो ये एक हॉस्पिटल भी है यहाँ पर और हम लोग ऐसा चल रहे हैं। सो हार्दिक, ये क्या है, ये किस, ये कौन सा बिल्डिंग है? ये हमारी बीएससी नर्सिंग की क्लासेस जो होती हैं, नर्सिंग वगैरह के जो कोर्स करते हैं या फिर फार्मा के जो कोर्सेज होते हैं हमारी इस बिल्डिंग में कराए जाते हैं। प्लस यहाँ पर जाँच भी है, फ्लोर है नीचे का ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर हमारी कुछ जाँचें भी होती हैं, ब्लड जांच होती है और जितनी भी, मेरे को तो कुछ पता नहीं है डॉक्टरी के रिलेटेड चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर जो चेकअप वगैरह होते हैं, टीथ वगैरह अगर चेक किया जाता है और जितनी भी चीज़ें हैं बीमारी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ भी चेकिंग भी होती है, प्लस क्लासेस भी चलती हैं बीएससी नर्सिंग वगैरह की। ओके, हार्दिक ने बताया कि यहाँ पर जितने भी चेकअप वगैरह होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका है ये एक हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पे सारे हॉस्पिटल वाले भी काम होते हैं, यानी मरीज का चेकअप और उसके सारे इलाज वगैरह यहाँ पे सब कुछ होता है, क्योंकि जो MBBS यहाँ पे कर रहा है तो अपने कहाँ पे सीखने जाएंगे, तो वो लोग यहीं पर ही सीखते हैं और यहीं पर ही नॉलेज गेन करते हैं। चलिए चलते हैं, ये जो हम इस वाले डिपार्टमेंट आएंगे गेट नंबर 2 से हम लोग निकलेंगे। सो गाइस, हम लोग पर गेट नंबर 1 से एंट्री की थी और गेट नंबर 2 से हम लोग निकलेंगे, और ये आगे सामने 3 गेट और ये गेट नंबर 3 है और ये गेट नंबर हमारा 2 है और जो पीछे से आया था वो गेट नंबर 1 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कितने सारे गेट हैं एंट्री करने के लिए और निकलने के लिए। तो गाइस, दिखाता हूँ मैं आपको भी पीछे की चीज़ यहाँ पर है, यहीं पे बच्चों को नर्सिंग डिपार्टमेंट, MBBS डिपार्टमेंट, जितने भी डॉक्टर से रिलेटेड डिपार्टमेंट सब यहाँ पे सिखाया जाता है और यहीं पे भी इलाज वगैरह होता है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी, ऐसे मैंने आपको बताया है, और यहीं पे सिखाया जाता है, यहीं पे सारी आपको नॉलेज दी जाती है और ये फैकल्टी भी यहाँ पर बैठी है, ऐसे अभी हमने हार्दिक ने हम लोगों को बताया है, फैकल्टी भी यहाँ बैठती है, यहाँ पे पेशेंट भी शिफ्ट किए जाते हैं और यहाँ पर रिसर्च डिपार्टमेंट भी है जो यहाँ बच्चे रिसर्च करते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ से घूम के आए थे, वो हम लोग का ग्राउंड है और वो पूरा CS वगैरह का यानी BTech का जितना भी सारी पढ़ाई वगैरह होती है वो वहीं पे होती है। टेक्निकल की जितनी भी चीज़ें हार्दिक जैसे बताया अभी हम लोग को, सारी चीज़ें उधर ही उस तरफ होती है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग का कलर भी अलग है, यानी ब्लू और वाइट से कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग का कलर अलग, जिससे आप पहचान सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पर स्टडी होती है। चलिए चलते हम लोग बॉयज़ हॉस्टल, सबसे ज़्यादा यूनिक कहा जाता है हॉस्टल जो हमारा, मतलब यहाँ की बिल्डिंगों में सबसे अलग ही वो दिखता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गुंबद वगैरह भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो लोगों को। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को अगर आप सर्च करेंगे तो नेट पे उसी का ही रिव्यू ज़्यादा आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फेमस चीज़ है। क्या बात, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइस, हम लोग यहाँ गेट नंबर 3 से निकल रहे हैं और जैसे बताया कि हम लोग बॉयज़ हॉस्टल जा रहे हैं, और इसे बताइए काफ़ी अच्छी यहाँ बिल्डिंग हमें सुंदर देखने को मिल रही है बॉयज़ हॉस्टल की, तो हम लोग वहीं पे चल रहे हैं, रोड पे निकल आए हैं हम लोग। हमारा गर्ल्स हॉस्टल है वगैरह, इसमें नहीं चल सकते हैं लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर से देखने में, आई होप चल पाते हैं तो आप लोग को भी अंदर का सीन दिखा पाते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो गाइज, जैसा कि हम लोग एक वीडियो में पूरा सोच रहे हैं कैप्चर करने के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो सोचे हम लोग एक वीडियो में कैप्चर कर लें। ऊपर ऊपर का जो भी नॉलेज है कि कौन सी क्लासेस कहाँ पर हैं, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, तो वो चीज़ें बता दी हम लोग वीडियो में, लेकिन अगर सोचे कि पूरी यूनिवर्सिटी कैप्चर हो जाए तो खैर वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। क्या, और ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल का एंट्री गेट। सो गाइस, ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल का एंट्री गेट है, देखते हैं हम लोग एंट्री करने देते कि नहीं करने देते हैं। मिल जाएगी गाइस, चल रहा है हार्दिक हमारा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो यूनिवर्सिटी के कैंपस से ज़्यादा मुझे यहाँ पे हॉस्टल कैंपस अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा यहाँ बनाया गया है, काफ़ी मुझे सब लोग देखिएगा, और बहुत ही प्यारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैफेटेरिया शॉप भी वगैरह है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल हॉस्टल, काफ़ी प्यारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फ्लावर्स यहाँ से डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारा छोटा सा प्यारा सा ग्राउंड है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं और सीनियर्स को उनको थोड़ा अलग से रखा गया है, तो यहाँ पे ये सीनियर्स का यहाँ पे स्टेप वाइज है। तो यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस क्या होगी, कोई आइडिया? हॉस्टल की 95,000 जाती है सबसे, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर। सो गाइस, मैंने कॉलेज का रिव्यू भी दिया था, उसमें मैंने बताया कि 95,000 यहाँ पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की बॉयज हॉस्टल की फ़ीस है, तो मैंने आपको दिखाया, तो आप चाहे तो हमारे यहाँ पे चैनल को विजिट करके आप इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू भी देख सकते हैं। सो गाइस, रास्ता वगैरह यहाँ पर है। सो गाइस, हमें लग रहा है कि बॉयज़ हॉस्टल के लिए इनफ एरिया है यहाँ पर।
हॉल नंबर 2 यहाँ पे लिखा भी है और यहाँ पे देख सकते हैं इसलिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं। वो हॉल 1 था सीनियर्स का और ये हमारा हॉल 2 है। तो हम लोग इसके अंदर भी चल सकते हैं। हाँ, एंट्री करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं मिलेगी। अंदर का सीन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और अंदर से ये स्टेयर्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल वगैरह बना है अंदर से। कपड़े सुखाने के लिए, रेस्ट करने के लिए बाहर ग्राउंड में ना जाना चाहें आप लोग तो वहाँ पर आ सकते हैं और राइट साइड में भी बैठ सकते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ से हॉस्टल से निकल आए हैं, निकल रहे हैं, अभी निकले तो नहीं है लेकिन वहाँ के रूम्स वगैरह वो जहाँ पे थे मैं वहाँ से निकल आए हैं। और गाइस यहाँ पर हम लोग ने सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, बॉयज़ हॉस्टल भी दिखाया और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का सारा कैंपस भी दिखाया और बताया हम लोग जितनी नॉलेज थी बताया कि वहाँ पे सारे कोर्सेज वगैरह यहाँ पर रन करते हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। सो गाइस ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग इसको बिल्कुल क्लियरली वॉच करिएगा। आई होप अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले होंगे तो आपको अगर ये वीडियो आपने ब्लॉग देख लिया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो, क्योंकि इसमें इस वीडियो हम लोगों ने हर डिटेल वीडियो यानी हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया, बताया कि बहुत हॉस्टल कहाँ है, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है और हमारा कैंपस कहाँ पर है, मतलब हर आपको चीज़ दिखाई है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, मुझे पता है, क्योंकि इतना डीप में जाकर के वीडियो किसी ने नहीं बनाया है। हमने बॉयज़ हॉस्टल तक की वीडियो बनाई है ताकि मैं भी रहा हूँ जबकि मैं वहाँ से निकल भी रहा हूँ। सो गाइस हार्दिक ने हम लोग की बहुत सारी हेल्प की है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताई है कि ये चीज़ें यहाँ पर और ये चीज़ यहाँ पर, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं अकेले बनाता तो मैं ये सारी चीज़ नहीं कर पाता, इसलिए मैं हार्दिक को थैंक यू बोल रहा हूँ। वेलकम। तो गाइस सब लोग यहाँ से हॉस्टल से निकल रहे हैं। सो अब ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो ब्लॉग वीडियो हम लोग की बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और रही बात अगर थोड़ी बहुत और जानकारी की कि हमारा डिपार्टमेंट के अंदर कैसे क्लासेस चलती हैं तो वो टाइम मिलेगा कभी फिर तो जो है फिर आपको दिखाने का मौका मिलेगा तो दिखाई जाएगी, अपलोड की जाएगी वीडियो। सो गाइस अगर आपको हम लोग यहाँ वीडियो पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिएगा। इतनी धूप में हम लोग आपके लिए से वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज के रिव्यूज़, इस चैनल पर जाइए अभी विजिट करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय।